दोस्तों सबसे ज़्यादा कमेंट्स में पूछे जाने वाला सवाल यही है कि कौन सा कैमरा लें जो फ़ोटोज़ और वीडियोस दोनों के लिए अच्छा हो, सही बजट में हो और हमें एक अच्छे खासे फीचर्स के साथ में कैमरा मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, कोई भी कैमरा जो है परफेक्ट तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि ऐसे तीन कैमरा मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में, जो मुझे पर्सनली लगता है कि ये तीनों कैमरा ऐसे हैं जिसमें आपको ना केवल उसकी प्राइसिंग यानी कि कीमत के हिसाब से सही है, बल्कि वो कैमरा जो है आपको सारे फीचर्स उसमें आपको फोटोज़ और वीडियोस दोनों के मिल जाएंगे और आप अच्छी खासी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी उस पर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम कैमरा खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में होता है कि हमारा एक बजट, यानी कि हमारा एक बजट होता है कि भाई इस बजट को हम क्रॉस नहीं कर सकते और उस बजट में हमें बेस्ट क्या मिल रहा है। दूसरा हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कि हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाएं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें फीचर मिलते हैं कम पैसे के अंदर तो वो हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे दोस्तों हर आदमी का बजट, हर आदमी को अलग अलग फीचर्स की ज़रूरत होती है, बट आज ये जो तीन कैमरा मैं आपके साथ में जो भी डिस्कस करने वाला हूँ, ये तीनों कैमरा मुझे ऐसे लगे कि आज भी 2021 के अंदर हम इन तीन कैमरा को कंसीडर कर सकते हैं अपने अपने बजट के हिसाब से। तो यहाँ पर मेरा जो क्राइटेरिया रहा वही रहा फीचर्स और दूसरा रहा प्राइस। तो शुरू करता हूँ दोस्तों मैं पहले प्राइस से। तो सबसे पहले नज़र डालें दोस्तों फ्यूजी फिल्म का X-T3 कैमरा, पुराना हो गया है लेकिन आज भी 2021 में मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये कैमरा वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है दोस्तों। प्राइसिंग पे एक नज़र डालें तो अगर हम अमेजोन की प्राइस देखें, इस वक्त हमें मिल रहा है 85,999, तो ये लगभग 86,000 रुपीज़ में ये कैमरा बॉडी हमें मिल रही है। अब मुझे क्यों ये बॉडी अच्छी लगी दोस्तों, देखिए फोटोज़ और वीडियोज़ दोनों पर्पज़ ये कैमरा सॉल्व करता है। 26 मेगापिक्सल का आपको यहाँ कैमरा मिल रहा है। अब 26 मेगापिक्सल इतने सारे अच्छे खासे मेगापिक्सल हैं जिसपे आप ना केवल वेडिंग शूट कर सकते हैं बल्कि आप हर तरह का मॉडलिंग पोर्टफोलियो, फैशन फोटोग्राफी का काम हो गया, कैटलॉग शूट हो गया, ई कॉमर्स हो गया, आपकी जो है अलग अलग तरह की जो भी आप फोटोग्राफी करते हो, ज्वेलरी फोटोग्राफी हो गई, आपकी ब्यूटी एंड हेयर फोटोग्राफी हो गई, हर तरह की फोटोग्राफी आप इस कैमरा के ऊपर कर सकते हो। अब आप कहोगे सर ये तो पुराना हो गया, इसका जो नया आया है फ्यूजी X-T4 वो क्यों नहीं आपने सेलेक्ट किया। देखिए फ्यूजी X-T4 बहुत अच्छा कैमरा है, बट यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कीमत की, ये आपको सिर्फ 86,000 में मिल रहा है। हाँ इसमें फ्यूजी X-T4 की तरह जो है फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं है, हाँ इसमें फ्यूजी X-T4 की तरह जो है बैटरी की जो पावर है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी फ्यूजी X-T4 में है, हाँ इसमें फ्यूजी X-T4 की तरह जो है आइबिस नहीं है, वो फीचर नहीं है। बट दोस्तों क्या ये फीचर्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं? अगर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं तो डेफिनेटली X-T4 एक बेटर कैमरा है, लेकिन अगर हम बात करें इसे कॉन्फ़िगरेशन की तो इसका अगर आप सेंसर देखोगे दोस्तों तो X-T4 और इसका सेंसर सेम ही है, तो इसके अंदर भी जो है आपको और जो इसका प्रोसेसर है वो भी सेम ही है। अगर एक नज़र डालें कॉन्फ़िगरेशन पे दोस्तों तो यहाँ आपको मिल रहा है एक्स ट्रांस सीमोस 4 सेंसर और यहाँ पर आपको मिल रहा है एक्स प्रोसेसर। ये सेम प्रोसेसर और सेम सेंसर फ्यूजी X-T4 में भी है, तो टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो दोनों में कोई फ़र्क है ही नहीं। थोड़े बहुत फीचर्स X-T4 में थोड़े से अपग्रेड किए हैं। और बात करें अगर हम इसके वीडियो कैपेबिलिटीज़ की तो फ्यूजी X-T3 का जो वीडियो कैपेबिलिटीज़ है दोस्तों बहुत ही कमाल की है। यहाँ पर आप 4:20:10 इंटरनली शूट कर पाओगे, 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड आपको इस कैमरा में मिल रहे हैं इतने कम प्राइस के अंदर, जो कि हायर एंड कैमरा में भी फीचर्स नहीं होते हैं ये वाले। तो आपको फीचर्स के हिसाब से देखें तो एक कम प्राइस में बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं। ड्रॉबैक अगर मैं कहूं तो बैटरी लाइफ इसका एक ड्रॉबैक है दोस्तों, बैटरी लाइफ उसकी बहुत ही पुअर है। अब मिररलेस कैमरा में वैसे भी बैटरी लाइफ से ज़्यादा उम्मीद करनी नहीं चाहिए, तो बैटरीज आपको थोड़ी एक्स्ट्रा खरीदनी पड़ेंगी अपने असाइनमेंट्स को करने के लिए। अदरवाइज अगर हम एक प्राइस पर नज़र डालें तो भाई 86,000 के अंदर आपको हर चीज़ अच्छी मिल रही है। हाँ कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई ये फुल फ्रेम कैमरा नहीं है, सो दोस्तों यस फुल फ्रेम कैमरा नहीं है, तो वीडियोज़ में दोस्तों फुल फ्रेम कैमरा से इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। आप रेड कैमरा देखेंगे, एलेक्सा कैमरा देखेंगे, वो सब भी जो है सुपर 35 सेंसर के ऊपर ही के फिल्म सेंसर पे ही काम करते हैं, तो वीडियोस पे उतना फ़र्क नहीं पड़ता। फोटोग्राफी के अंदर है यस थोड़ा बहुत आपको फ़र्क पड़ेगा, बट इतने कम प्राइस में अगर आपको एक ही कैमरा में दोनों चीज़ें मिल रही हैं तो उसमें बुराई क्या है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से 2021 के अंदर फ्यूजी फिल्म X-T3 का जो कैमरा है बहुत ही रेलेवेंट है। आप इस कैमरा को ट्राई कीजिए, कुछ पिक्चर्स इस पर शूट कीजिए, कुछ इस पर आप वीडियोग्राफी कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको जो कलर्स हैं वो बहुत ही कमाल के मिलेंगे और जो वीडियो फुटेज है वो भी इसकी बहुत कमाल की मिलेगी। आप YouTube पे जाके इसकी वीडियो फुटेज भी टेस्ट कर सकते हैं और फोटोग्राफ्स भी। अब दोस्तों
फ्यूजी का जो एक खास बात मुझे लगती है वो ये कि इसका जो कलर साइंस है वो बहुत ही कमाल है, यानी कि स्ट्रेट फ्रॉम द कैमरा आपको इमेजेस बहुत अच्छे कलर्स के साथ मिलती हैं, तो पोस्ट प्रोडक्शन का भी झंझट है वो थोड़ा सा इसमें कम होता है। सो 2021 में अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है और आप सोच रहे हैं कि मुझे एक अच्छा कैमरा चाहिए, तो भाई ये आप कंसिडर कर सकते हो, ये बुरा सौदा नहीं रहेगा। अब दोस्तों दूसरे कैमरा पे अगर नज़र डालें तो मेरे जहन में आता है सोनी A7 III। ये कैमरा 2018 में रिलीज़ हुआ था लेकिन आज भी 2021 में बहुत ही रेलेवेंट है। एक नज़र डालें इसकी प्राइस की, तो करंट प्राइस जो मैंने भी अमेजोन पे देखा है आप देख पा रहे हैं ये है करीब 1,51,990, यानी कि 1,52,000 की इसकी बॉडी आ रही है। मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज़्यादा है, आप थोड़ा बार्गेन करेंगे तो ये शायद आपको 1,45,000 टू 1,49,000 के अंदर मिलना चाहिए शॉप के अंदर। तो ये प्राइस भी जो है दोस्तों एक थोड़ा सा फ्यूजी X3 III से देखेंगे तो थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, यानी कि थोड़ा सा मिड रेंज का कैमरा है, बट इस कैमरा के अंदर भी आपको फोटोज़ के और वीडियोज़ के बहुत ही अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर मैं कहूँ दोस्तों तो ये कैमरा फोटोज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू वीडियोज़, बट वीडियो फुटेज भी इसके अंदर आपको बहुत अच्छी खासी मिलती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स इस कैमरा को यूज़ करते हैं अपने वीडियो फुटेज के लिए और बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर्स भी अपनी वेडिंग फिल्म शूट करते हैं सोनी A7 III पे। लेकिन बात करें अगर फोटोग्राफी की तो यहाँ आपको मिल जाता है 24 मेगापिक्सल का कैमरा, यहाँ पे आपको रियल टाइम ऑटो आई ऑटो फोकस मिल जाता है। ऑटो फोकस इसका बहुत ही कमाल का है, चाहे वो फोटोज़ हो या वीडियोज़ हो। और साथ में अगर हम देखें दोस्तों तो इसका लो लाइट फीचर बहुत ही कमाल का है, यहाँ पर आपको ISO रेंज मिल जाती है 100 से लेके 51,200 तक, और 15 स्टॉप्स का डायनेमिक रेंज है जो भी बहुत ही कमाल का है दोस्तों। सो ओवरऑल अगर हम कहें तो इस कैमरा के अंदर भी कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि एक फोटोग्राफर को एक वीडियोग्राफर को बहुत ही उसके काम को आसान कर देते हैं दोस्तों। और बात करें इसके अंदर अगर हम फोटोज़ की, तो यहाँ पर आप 14-bit रॉ आउटपुट के ऊपर जब आप पिक्चर शूट करते हो तो आपको अच्छी खासी डिटेल मिलती है, अच्छा खासा फाइल साइज मिलता है। आप पोस्ट प्रोसेसिंग में उसको अच्छे से अगर आप उसको प्रोसेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको डिटेलिंग बहुत अच्छी मिलती है। सेंसर इसका बहुत अच्छा है दोस्तों। तो ओवरऑल अगर हम अगर देखें इसके सारे फीचर्स को तो ये फोटोज़ और वीडियोस के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन रहेगा। अब बात करें इसकी वीडियो कैपेबिलिटीज़ की, तो यहाँ पर वीडियो कैपेबिलिटीज़ में थोड़ा सा लिमिटेशंस है। सोनी A7 III आपको देता है दोस्तों ओनली 8-bit 420 इंटरनली, और अगर आप एक्सटर्नली आप HDMI आउटपुट के साथ शूट करें तो वहाँ पर आपको जो है 4:2:8 आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा हम कहेंगे कि वीडियोज़ के अंदर दोस्तों ये उतना स्ट्रांग नहीं है। अब प्राइस अगर आप देखें तो यहाँ अभी फ़िलहाल जैसे आप 1,52,000 में इसकी बॉडी मिल रही है, तो आप अगर आप फ्यूजी X3 III से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर आपको 4:2:2:10 एक्सटर्नल, अगर आप एक्सटर्नल या HDMI आउट के साथ शूट करें तो आपको आपको 4:2:2:10 मिलेगा, और इंटरनली फ्यूजी X3 III आपको शूट करके देता है 4:2:10। सो अगर वीडियो कोडेक्स देखेंगे तो X3 III के ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू सोनी A7 III। और फ्यूजी X3 III के अंदर आपको मिल रहा है दोस्तों 4K 60p, इसके अंदर आपको 4K 60p नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है यहाँ पे। बट वीडियो की अगर बात करें दोस्तों तो ये ज़्यादातर वीडियो के जो काम होते हैं, चाहे आपकी प्री वेडिंग शूट्स हो आपका, चाहे यूट्यूब का काम हो, चाहे आपको इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करने हो, तो वो सारा काम से बहुत अच्छा खासा हो जाता है। एक बेनिफिट और है सोनी A7 III का, वो ये कि इसकी जो फाइल साइज़ है वीडियो की वो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी, चाहे आप फाइनल कट प्रो यूज़ कर रहे हैं या आप यूज़ कर रहे हैं प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि हैंग हो रही, क्योंकि 4:2:8:0 जो है आपको 4:2:0 जो है 8-bit वो इतना प्रॉब्लम नहीं देती है, आराम से प्ले भी होती है चलती है। लेकिन 4:2:2:10 या 4:2:0:10 जो है फाइल्स वो प्रॉब्लम देती है, वहाँ पर आपको फिर प्रॉक्सी फाइल बनानी पड़ती है, उसके बाद फिर आप ओरिजिनल फाइल के साथ उसे रिप्लेस करो। सो आपका पोस्ट प्रोडक्शन का काम है दोस्तों वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। बट ओवरऑल अगर हम एक इसके टोटल फीचर्स पर नज़र डालें तो दोस्तों ये एक आज भी 2021 में एक ऐसा कैमरा है जो कि एक मिड रेंज के अंदर आपको फोटोज़ का सोल्यूशन दे रहा है, आपको वीडियोज़ का सोल्यूशन दे रहा है, और यहाँ पर आप सोनी के अंदर आप थर्ड पार्टी लेंसेज के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से इसमें लेंसेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा दोस्तों कि इसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, आपको देखना है कि अगर आपको वीडियोज़ और फोटोज़ दोनों चाहिए, वर्क फ्लो आपको थोड़ा ईजी चाहिए, और आप एकदम रन एंड गन टाइप का जो है आपका काम है कि भैया उठाया कैमरा और चल दिए, तो ये कैमरा बहुत ही अच्छा है।
अब दोस्तों थोड़ा अगर हाई एंड की तरफ बढ़ें तो एक नज़र डालें हम कैनन R6 पे, तो ये एक ऐसा कैमरा है दोस्तों जो कि आपके फोटोग्राफी के और वीडियोग्राफी दोनों के सॉल्यूशन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट करता है। और यहाँ पर अगर इसकी प्राइस पर नज़र डालें तो इसका जो प्राइस है MRP तो है करीब 2,15,000 का, लेकिन मेरे ख्याल से ये आपको शॉप में मिल जाएगा 1,94,95,000 तक मिलना चाहिए। तो ये कैमरा काफ़ी ऑलमोस्ट परफेक्ट कैमरा है दोस्तों। अब यहाँ पर एक नज़र डालें इसके फीचर पे, तो आप देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है 20 मेगापिक्सल का कैमरा 4K वीडियो के साथ में, यानी कि यहाँ इसमें आप 4K 60 FPS पे शूट कर पाओगे, जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है। अप टू 8 स्टॉप्स आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, तो ये भी बहुत ही कमाल का फीचर है। बात करें इसके लो लाइट कैपेबिलिटीज़ की, तो यहाँ पर ISO रेंज आपको मिल रही है 1,02,400 तक। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एनिमल जो है आई डिटेक्शन, ऑटो फोकस ये मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर आप 20 फ्रेम्स पर सेकंड आप अच्छे से शूट कर पाएंगे। सो ओवरऑल अगर हम इसके फीचर्स को देखें दोस्तों, तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी दोनों इस पे बहुत कमाल की होगी। थोड़ा महंगा ज़रूर है। अब एक चीज़ मुझे इसकी जो अच्छी लगी वो ये है, इसका इसके अंदर जो है आपको मिल रहे ऑटो फोकस पॉइंट्स 1053 फेस डिटेक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों आप अगर खुद भी शूट कर रहे हैं, आप चाहे वीडियो शूट कर रहे हो, फोटोग्राफी कर रहे हो, तो इसका डुअल पिक्सल ऑटो फोकस जो है वो बहुत ही कमाल का है। आपका पूरा जो है 100% ऑलमोस्ट आपको कवरेज देता है ये, तो आपका कोई भी फोकस जो है वो मिस नहीं होगा, लो लाइट के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। सो अगर आप एक फोटोग्राफर हैं, 20 मेगापिक्सल इज मोर देन इनफ फॉर ऑल काइंड ऑफ फोटोग्राफी। ज़्यादातर फोटोग्राफी का काम 20 मेगापिक्सल में हो जाता है। और अगर आप एक वीडियोग्राफर हैं तो दोस्तों ये कैमरा बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप इंटरनली 10 बिट आप 422 10 बिट आप इंटरनली शूट कर पाओगे। और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे इसके वीडियो कोडेक्स दूसरे भी काफ़ी अच्छे हैं, यानी कि 4K 60p पर भी आप शूट कर पाओगे। तो ज़्यादातर 4K 60p, अब अगेन मैं आपको वही बोलूँगा कि फ्यूजी X3 III में भी 4K 60p है और R6 में भी 4K 60p है। तो आप प्राइस का डिफरेंस देखिए, 86,000 टू ऑलमोस्ट 1,95,000 रुपीज़, बट वीडियो कोडेक्स आपको दोनों में सेम मिल रहे हैं, X3 III में भी और इसमें भी। द ओनली डिफरेंस इज कि R6 जो है वो एक फुल फ्रेम कैमरा है, ऑटो फोकस कैपेबिलिटीज R6 की कहीं ज़्यादा अच्छी है फ्यूजी X3 III से। तो ये थोड़े से फीचर्स मैटर करते हैं। और आप अगर देखें ओवरऑल, अगर आप इन तीनों कैमराओं के फीचर्स को अगर आप कंपेयर करें, तो आपको एक थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि यार आपके लिए कैमरा कौन सा अच्छा है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कैमरा खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि बहुत सारे जो सवाल आते थे इन कैमरास को लेके कि सर कौन सा ऐसा कैमरा जो अच्छा रहेगा 2021 में, जिसमें हम फोटोज़ और वीडियोस दोनों शूट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तीन कैमरा थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, देखिए अगर आपने R6 कैमरा लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप 422 10 बिट पे शूट कर रहे हैं, तो आपका जो लैपटॉप है ना वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए उन फाइल्स को हैंडल करने के लिए। सिमिलरली अगर आप X3 III पे शूट कर रहे हैं और 422 10 बिट के ऊपर आप शूट कर रहे हैं HDMI आउटपुट के साथ, तो भी उसकी फाइल जो है काफ़ी हैवी बनेगी। तो वहाँ पर भी आपका जो लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप है वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, स्पेशली वीडियो फुटेज के लिए। रहा सवाल फोटोग्राफी का, तो फोटोग्राफी के अंदर ये सारी फाइल्स आप बहुत आसानी से हैंडल कर पाएंगे, लगभग सारे सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं आपके नॉर्मल 2-3 साल पुराने लैपटॉप के ऊपर भी, चाहे फोटोशॉप हो, कैप्चर वन प्रो हो, लाइट रूम हो, सब चल जाता है 3-4 साल पुराने लैपटॉप पे। लेकिन जो वीडियो कैपेबिलिटीज़ है, क्योंकि अब जो कैमराज आ रहे हैं उसमें वीडियो फीचर्स बहुत ज़्यादा अपग्रेड किए हैं, और X3 III एक पुराना 2-3 साल पुराना कैमरा है, लेकिन उस टाइम भी उसमें इतने सारे फीचर्स थे। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कैमरा लेना है। मेरा विचार आपको कैसे लगे इन तीनों कैमरा के बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा चैनल है जिसमें हम लोग एक दूसरे से अग्री भी होते हैं, डिसअग्री भी होते हैं। तो अगर आपको इन तीनों कैमरा के अलावा कोई और कैमरा लग रहा हो कि भाई इस रेंज में ये कैमरा में ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं, तो उस कैमरा को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगा अपने चैनल पर उन कैमरा को लाने की, उनकी रिव्यू करने की, उनकी टेस्ट फुटेज या टेस्ट सैम्पल इमेजेस निकालने की। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।